पिताजी के जाने के बाद लिखते हैं बच्चे, हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अब ये तो पिताजी से पूछना पड़ेगा कि स्वर्ग गए कि नहीं। यदि वो स्वर्गवासी हुए और स्वर्ग इतना अच्छा होता है तो उन्होंने कभी आपको बुलाना नहीं चाहा कि आ जाओ भैया वहां क्यों पड़े हो, ये बहुत अच्छी जगह। कोई दूसरी दुनिया स्वर्ग नहीं है। जिन परिवारों में मां बाप दुखी और आंसुओं से रो रहे हो वो घर ही नरक है, और जिसमें माता पिता की सेवा होती हो, बच्चे संस्कारी हो, वो घर ही स्वर्ग है। और कोई दूसरी दुनिया स्वर्ग की नहीं है। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी हुई है दुनिया। है स्वर्ग तो वहीं पर जहां मधुर मीठी वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए माने, एक दूसरे को समझकर जहां लोग रहते हैं वो घर स्वर्ग होता है। और एक व्यक्ति भी अगर विपरीत विचारधारा का होता है तो रामायण उसका भी उदाहरण देती है कि क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति की, छोटे या बड़े, प्रत्येक व्यक्ति की उतनी ही जिम्मेदारी और उतना ही कर्तव्य है। बच्चे अधिकार की बात करते हैं, अरे पिताजी की संपत्ति पर मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन पिताजी के लिए कर्तव्य क्या बनता है, थोड़ा इसको भी सोच ले। और बड़े भी ऐसा करते हैं, अरे भाई पैदा किए हैं तो कौन सी बड़ी बात है, उनका भी एक जीवन है, वो भी एक स्वतंत्र सत्ता है ईश्वर की, वो भी एक वही तत्व है जो तुम है, इसलिए छोटा हो ये सोच करके उसको छोटा नहीं समझना है। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है। हो सकता है कि बड़े लोग कुछ दिन पहले इस दुनिया में आ गए, बच्चे थोड़े दिन बाद इस दुनिया में आए हैं, बस उतना ही तो अंतर है, समय का अंतर है बस। क्योंकि बड़प्पन तो व्यक्ति के कर्म से होता है। जो छोटों को भी गले से लगा कर चले, जो छोटों को भी संभाल कर चले, जो छोटों को भी उनका कर्तव्य बताते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए चले, वो बड़ा है, चाहे फिर वो कोई भी हो। इसलिए हम सबको एक दूसरे की भावना से जुड़ करके अपना घर मंदिर बनाना है, अपना घर स्वर्ग बनाना है। वो एक गीत गाती थी पहले, घर में महिलाएं माताएं गाती थी कि घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कहीं बाहर न जाऊंगी। शायद आप भी गाते हो, पहले हमने सुना था कि सास अपनी को कौशल्या बनाऊंगी, ससुर जी को दशरथ बनाऊंगी, पति को मैं राम बनाऊंगी, कहीं बाहर न जाऊंगी। मैंने ऐसे कुछ शब्द गाती थी कि मैं घर को ही मंदिर बनाऊंगी, घर ही तीर्थ बन जाएगा, जब मैं देखूंगी तो दशरथ और कौशल्या के रूप में देखूंगी सास ससुर को, पति को देखूंगी तो राम के रूप में देखूंगी, और यदि मैं खुद पार्वती बनी तो भोलेनाथ के रूप में देखूंगी, और मेरा तीर्थ, मेरा मंदिर, मेरा घर ही हो जाएगा। फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है मुझे, जब घर ऐसा हो जाए। ऐसा माताएं गाती थी, उनके सामान्य शब्दों में कितनी गहराई छुपी होती थी। आज हम घरों को नरक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? घरों को नरक बना रहे हैं, स्वर्ग नहीं बना रहे। ये सोचना आपका काम है।